देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है अपराजिता, बदलाव ही तो नियम है ना। तो 15 सालों में जो होता आया है इस घर में, वही आगे भी होगा, ऐसा सोच के मत बैठे रहना। हुआ है क्या? नहीं बेटा, बस ठोकर लगी और लड्डू गिर गए। कोई बात नहीं, हम और बना देंगे। पापा, हम आपका केक फ्रिज में रख देते हैं, फिर हम सब मिलके खाएंगे बाद में। हाँ पापा, फोटो ले ले क्या सब साथ में? मैं भी रहूंगा उस फोटोग्राफ में। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, अच्छा मौका है ना, क्योंकि अब तक तो घर की एक भी फोटो में मैं हूं ही नहीं। कम से कम अब पता तो चलेगा कि ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। आओ बेटा फोटो निकालते हैं। अरे नहीं नहीं, तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? सोने से कौन सा फोटो लेगा? अरे चलो एक फोटो लेते हैं। अरे सुनो, चलो एक फोटो लेते हैं सबके। आओ हाँ, चल जल्दी आ। दादी आइए। हाँ यहाँ यहाँ। दिशा तुम यहाँ, माँ आइए ना। हाँ बैठो। दिशा, पापा को इस तरफ आने दें। यहां देखो, मम्मा यहां देखो। हाँ स्माइल। हे भोलेनाथ, हमारी गुड़िया अपने पापा से बहुत उम्मीदें लगाकर बैठी है, कहीं वो फिर से टूट ना जाए। मैंने तुम्हें 24 घंटे का प्रॉमिस किया था ना, फिर। अरे रे रे रे, रिलैक्स, चिल। तुम और छवि ठीक ठाक घर पहुंच गए हो ना, बस यही पूछने के लिए फोन किया था जान। हाँ बस अब अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे। हाँ देर, बस देर ही मत होने देना जान। 24 में से सिर्फ 22.5 घंटे बचे हैं अब। जान सच कहूं, और सब्र नहीं है मेरे पास। अब तो बस इंतजार है कि कब अपराजिता अपनी बेटियों को लेकर उस घर से बाहर होगी, और कब मैं असली मिसेस अक्षय सिंह बनकर उस घर में प्रवेश करूंगी। एंड यू नो व्हाट, मेरा गृह प्रवेश भी बिल्कुल मेरी तरह स्पेशल होगा, कसम से। मोहित, मैं बाद में कॉल करता हूं। दिशा सिंह, दिशा सिंह कौन है? क्या हुआ मैडम? दिशा हमारी बेटी है, कहिए। हाँ हाँ आपकी बेटी है, पर है कहाँ? ये है दिशा। क्या हुआ मैडम? FIR दर्ज हुई है छोरी के नाम।
दो चोरों को पीटने और उनकी बाइक तोड़ने के लिए। ऐसा साला क्या किया तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के कट लिया? तुम्हारी माँ अभी भी इतनी कैंट है, अपने जमाने में तो क्या होगी नहीं। माँ के बारे में कैसे बोला तू? माँ के बारे में कैसे बोला? बीच बाजार में उतर के बवाल काटा है छोरी ने, इसलिए थाने चलना पड़ेगा। देख के रहो, डरो छोरी ने। अरे एक मिनट। एक मिनट क्या हो गया यहाँ पे? क्यों आया और क्या किया मेरी बेटी ने? आपकी बेटी? हाँ जी। और मैंने तो सुना था कि छोरी अपनी माँ के साथ रह में। वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि किया क्या है मेरी बेटी ने? फिर से बोलना पड़ेगा, इनने छोरों के साथ मारपीट की और उनकी बाइक तोड़ दी। क्या? और फुल जानकारी चाहिए ना तो तशरीफ ले आना थाने में। बाइक तोड़ दी? मम्मी मैं उनको बोलूं ना, कुछ पूछ रही थी, कुछ छेड़ रहे थे, इसलिए मैं किया। शेरवानी लेकर कहाँ जा रही हो? दूल्हा तो यहाँ है। वो लड़की छवि थी, कुछ छेड़ रहे थे, इसलिए मैंने। हाँ तो डंडे के साथ साथ कानून भी हाथ में लेवेगी। चल थाने, वहाँ सुनाना सारा कांड। कानून उन लड़कों पर चलाओ जिन्होंने बदतमीजी की। पहले पकड़ो उनको। देख रहे हो, धरो उसने। चलो लेके। नहीं नहीं जाना, मम्मा मुझे बचा लो। नहीं देखिए मैडम, आप लेके जा रहे हैं, समझते हैं हम आपको समझा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दिशा को क्यों लेके जा रहे हो? चुप रहो और पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। पापा 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 प्लीज कुछ कीजिए ना पापा, प्लीज प्लीज। क्या करूं मैं? अपना ही सिक्का खोटा निकले तो क्या करे कोई? ये भीड़, ये तमाशा अच्छा लग रहा है तुमको? आज के दिन पुलिस आई घर पे हमारे, क्या क्या जरूरत थी उसे लड़कों से भिड़ने की बीच सड़क में? गुंडा कर देना तुम्हारी माँ ने। जा तुम, मुझे गुस्सा आ रहा है यहाँ पर। को दिशा, दादी दिशा को पुलिस वाले क्यों लेके जा रहे हैं? अभी पुलिस वाले होकर मनमानी कर रहे हो। अपन किया क्या उसने? अरे चुप बैठो, चुप। पर हुआ क्या है? अरे बताते बताते। हमने कहीं सुना था, हमने कहीं सुना था कि 6 बजे के बाद आप किसी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हम मोबाइल पे भी देखें, ये देखिए इसमें भी लिखा है कि आप 6 बजे के बाद उसे गिरफ्तार नहीं। हाँ तो अभी हुआ थोड़ी है, वो हो गया मैडम। छोड़ो उसे। अरे छोड़िए ना, छोड़िए मैडम, रुक जाओ। मम्मा मम्मा मुझे नहीं जाना था ने। हम इसे कल खुद ले आएंगे। हाँ वो ही ठीक रहेगा, वरना कल हम इसे खींच के ले जाएंगे। चल बेटा चल चल। सब ठीक हो जाएगा, आजा आजा बैठ। आशा बेटा पानी ले आ। हो गई तसल्ली? छवि के बर्थडे के दिन पुलिस घर पे आ गई, हो गई सबको तसल्ली? अब पिलाओ पानी उसे।
जरूरत क्या थी? इधर देखो तुम, तुम्हें जरूरत क्या थी सड़क पे लड़कों से भिड़ने की? ऐसा साला क्या किया तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारा बाप तुमको छोड़ के कट लिया? क्या कर रहे हैं आप? डरी हुई है वो। अब डर गई अचानक? कल तक मुझे कह रही थी कि पापा देखना मैं छवि दीदी का बर्थडे आपको खराब नहीं करने दूंगी, तुमने क्या किया ये? पुलिस आ गई ना घर पे आज के दिन। तुम्हें ना अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना होगा। बचपन से वही तेवर, नाक पे वही गुस्सा। अच्छा खासा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। जब से आया हूं ना तब से मुझे सुना रही है ये लड़की। क्यों आए हो? 15 साल हो गए, अब क्या करें? क्या हुआ आप तुम्हें? बोलो। बस कीजिए, घबराई हुई है वो। और हम हैं ना, हम संभाल लेंगे, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। बीच में पड़ने की मतलब? बीच में हूं मैं? ये मेरी भी बेटी है, ये सर फ्री लड़की, इसे सड़क पे जाके मारा मारी करना अच्छा लगता है। मैं इसका बाप हूं, नहीं मैं जानता हूं 15 साल के बाद इस घर में वापस आया हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरा हक छीनने की कोशिश करो। हाँ जाओ जाओ, छिप जाओ, जाओ अपनी परवरिश से मुंह छिपाकर जाओ। अब ऐसे पाला है मेरे बच्चों को तुमने? गुंडागर्दी कर रही है सड़क पे जाके, क्या वजह थी ये बवाल खड़ा करने की? जवाब दो। इसकी वजह आप हैं। मैं वजह हूं? जी, मेरे बच्चों की उदासी, डर और गुस्से, हर चीज की वजह आप हैं। उन लड़कों ने हमारे बारे में और हमारी बच्चियों के बारे में जो भी ऊटपटांग बोला, उसकी वजह आप हैं अक्षय सिंह जी। हमारी बच्चियां जब भी घर के बाहर निकलती हैं ना, खुशफुसाहट शुरू हो जाती है। अब तो लोगों ने मुंह पर बोलना शुरू कर दिया। मेरी बच्चियों को इन सब से गुजरना पड़ता है क्योंकि उनका बाप उनकी मां को छोड़कर चला गया। अब मेरी बच्चियां कुछ भी कर ले, लोगों को सिर्फ यह दिखता है कि उनका बाप उनके साथ नहीं रहता। बाप का साया ना हो तो बच्चे बिगड़ते ही हैं। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए मोड़ लगाना। हम 15 साल से अपने बच्चों को माँ का प्यार दे रहे हैं और बाप की जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, लेकिन नहीं, एक अकेली औरत सिर्फ गलत हो सकती है, काफी नहीं। हमारी ये बेटी हर साल 90% लाती है, लेकिन उसके लिए माँ को 1% नहीं मिलता, क्योंकि माँ काफी नहीं होती। हमारी ये बच्ची कॉलेज की हर प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, हर बार मेडल लेकर आती है, मेडल आता ही है, लेकिन उसके लिए माँ को 1 भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता, क्योंकि माँ काफी नहीं होती। कुछ भी कर ले माँ, लोगों की नजरों में माँ काफी नहीं होती। रास्ते में जो भी बवाल हुआ उसकी वजह आप हैं। आज छवि का बर्थडे खराब हुआ, उसकी वजह आप हैं। आज हमारे घर में पुलिस आई, उसकी वजह आप हैं। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं बताता हूं तुम्हें, बस मेहरबानी होगी कि आप ये घर छोड़कर चले जाइए। चले जाइए, आप यहां छवि का बर्थडे मनाने आए थे, हो गया बर्थडे, खत्म हो गया, आपको दिख रहा है, तो चले जाइए। हमें और हमारी बेटियों को अपने हाल पर छोड़कर जाइए, प्लीज जाइए।
चल बच्चे। यहाँ से चले जाए मतलब? तुम कौन होती हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाली? घर तुम्हारे नाम पर है तुम्हारे नाम पर नहीं, मेरी माँ के नाम पर है वो। अम्मा हाँ सही कह रहे हो, हमारा ही घर है, इसलिए हम कह रहे चले जाओ यहां से। बहुत तमाशा कर लिया। अम्मा ये क्या कह रहे हैं हम? 15 साल की ये ठीक बात नहीं है। मैं लौट कर आया हूं और अब एक्चुअली ठीक है ना, आप सबने मिलकर ना विलन बना दिया है मुझे, बुरा आदमी। ठीक है मैं चला जाता हूं, मैं यही चाहती है ना आप? ठीक है अम्मा चाहता हूं, रहिए आप सब खुशी खुशी। दिशा FIR दर्ज हुई है चोरी के नाम, दो चोरों को पीटने और उनकी बाइक तोड़ने के लिए। जाओ अपनी परवरिश से मुंह छिपाकर जाओ, अब ऐसे पाला है मेरे बच्चों को तुमने, गुंडागर्दी कर रही है सड़क पे जाके। क्या वजह थी ये बवाल खड़ा करने की? अभी तो लड़कियां जवान हुई है, कितनों की सोच बदली करेगी, आखिर है तो बिन बाप की बेटियां, कोई ऊंच नीच ना हो जाए। अब क्या करेंगे अम्मा, कल तो दिशा को लेकर जाना ही पड़ेगा। इतनी देर हो गई और दिशा अब तक घर नहीं आई, कहाँ गई होगी? अरे होगी आई कहीं, बिट्टी गई है देखने। वैसे तो इतनी स्ट्रिक्ट बनती है, पर अब देखो बातें करा लो उससे, रात भर जेल में सड़ रही तब अकल ठिकाने आती है उसकी, तेवर आसमान छूते हैं। माँ पे गई है बिल्कुल अपने, बाप पे गई है। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? तुम भी तो रात रात भर गायब रहते थे, जेल की हवा भी खाकर आए हो। जेल? उसके आगे क्या हुआ? सिग्नल तोड़कर आगे बढ़े, इनकी मोटरसाइकिल इनकी जैसी टेढ़ी फिसल कर गिर गई, फिर पुलिस आ गए धर लिया इनको। जाना चाहती, मुझे जेल तो नहीं होगी ना, वहां पे ठंडी जमीन पर लेटना पड़ेगा, आप भी नहीं रोगे, मैं नहीं जाना चाहती। मम्मा कुछ तो बोलो। हम क्या बोले, तुम ही बोलो। वही माँ का डायलॉग, देख लो इधर तो माँ है ना, तो बस फिर माँ है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी, तुम्हें पता है ना माँ क्या करती है, क्या करती है? मुसीबत को मुस्कान पे बदल देती,
और सब ठीक कर देती है। मिट्टी क्या चल रहा है? मिट्टी अम्मा उनकी बाइक टूटी है, हम सोच रहे हैं उनके मरम्मत के पैसे दे देंगे अगर शायद मामला यहीं रफा दफा हो जाए। बच्चों के स्कूल और कॉलेज की फीस? अम्मा ये तो सिर्फ 40,000 है, इतने में मरम्मत तो हो जाएगी ना बाइक की। फिर से लड़ाई झगड़ा मारपीट, चल 8x8 के लॉकअप में रहेगी, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी मम्मी नहीं जाते हैं। नहीं जाना तो पड़ेगा बेटा, बुलाए। मैडम वो आपने बुलाया था ना, वो बाइक चुकी थी तो ना, इसकी कोई जरूरत ना है मैडम जी। मतलब हस्बैंड आए थे आपके, सब सेटल कर गए, मैटर क्लोज। क्लोज? और हाँ छोरी, अगली बार से ना लड़कों पे हाथ पैर मत उठाइयो। वो तो अच्छा हो उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवाई, वरना करने को तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। और हाँ मैडम जी, आप जाके ना प्रसाद चढ़ाइयो कि पतिदेव वापस आ गए आपके, वरना बिना बाप के तीन तीन बेटियां पालना आसान थोड़ी ना है। ये कैसे हो? ऐसा क्या किया तुम्हारे पापा ने?